नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपनी 15 बुक्स के बारे में एक एक करके आपको बताने का विचार किया है। कल मैंने आपको फलित ज्योतिष सिद्धांत बुक के बारे में बताया था। आज मैं आपको वर्ग कुंडलियों द्वारा फलादेश के बारे में थोड़ी सी डिटेल देता हूं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो ब्रह्मांड में 12 राशियां और उनमें 9 ग्रह गोचर करते हुए जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं। पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित होती है उसे लग्न माना जाता है। लग्न कुंडली एक प्रकार से भारी ढांचा है। जन्म कुंडली की डिटेल्ड जानकारी के लिए सभी भावों और ग्रहों का सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए वर्ग कुंडली डिविजनल चार्ट्स की आवश्यकता पड़ती है। अक्सर ग्रहों का बल, फल देने की क्षमता डिविजनल चार्ट्स में डिफरेंट हो जाती है, जिसके कारण प्रिडिक्शन भी बदल जाती है। इसलिए विद्वान ज्योतिष जन्म कुंडली के साथ साथ डिविजनल चार्ट्स की भी स्टडी जरूर करते हैं। वर्ग कुंडलियां D2 होरा कुंडली से जातक के धन की पोजीशन की जानकारी मिलती है। D3 देशकान कुंडली से भाई बहनों की जानकारी प्राप्त होती है। D4 चतुर्थांश कुंडली से चल अचल संपत्ति और भाग्य की जानकारी मिलती है। D7 सप्तांश कुंडली से संतान संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। D9 नवांश कुंडली जन्म कुंडली की सूक्ष्म कुंडली होती है। कहते हैं नवांश कुंडली के बिना जन्म कुंडली की विवेचना करना पाप है। लग्न कुंडली जातक के स्वभाव, रंग रूप, शारीरिक बनावट, सोच विचार का भारी स्वरूप है और नवांश कुंडली उसके आंतरिक स्वरूप का विश्लेषण है। इस पुस्तक में वर्ग कुंडलियों की आवश्यकता और वर्ग कुंडलियों को बनाए जाने के वैदिक नियमों की सटीक जानकारी दी गई है। प्रत्येक डिविजनल चार्ट की इम्पोर्टेंस, उसकी उपयोगिता, उसको पढ़े जाने वाले नियमों को बहुत ही सुंदर व सरल ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। किसी भी डिविजनल चार्ट की जानकारी पाने के लिए इसमें बुक में कुंडलियों के द्वारा भी समझाया गया है। कई बार जन्म कुंडली में बहुत अच्छे योग होते हैं, जैसे राजयोग, महाभाग्य योग, अखंड साम्राज्य योग, धन योग, गज केसरी योग, महायोग, पर जातक को शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि लग्न कुंडली के ग्रह, चाहे वो शुभ राशि, उच्च राशि या मित्र राशि में हो, लेकिन अगर डिविजनल चार्ट्स में नीच हो जाते हैं या त्रिक भावों में होते हैं या पाप ग्रहों के प्रभाव में होते हैं तो शुभ फल नहीं देते हैं। इसी प्रकार कोई ग्रह लग्न कुंडली में निर्बली हो और वर्ग कुंडलियों में उच्च राशि में, शुभ राशि में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, मित्र राशि में हो, तो कुछ रुकावटों या बाधाओं के बाद अच्छे फल देना शुरू कर देते हैं। जन्म कुंडली का पूरा विश्लेषण करने के लिए डिविजनल चार्ट्स का भी विश्लेषण करना पड़ता है। यदि ग्रह डिविजनल चार्ट में शुभ राशि के हों, मूल त्रिकोण राशि में हो या उच्च राशि में हो, तो उसमें बल बढ़ जाता है और
कुंडली का सटीक प्रिडिक्शन करने के लिए हमेशा ध्यान रखना भाव, भाव का स्वामी, कारक ग्रह और क्वेश्चन से संबंधित वर्क चार्ट का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लो क्वेश्चन है मकान से संबंधित कि मेरा मकान कब बनेगा, तो जन्म कुंडली का फोर्थ हाउस में बैठे ग्रह फोर्थ लॉर्ड चौथे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, स्वराशि का है, उच्च का है या त्रित भावों में बैठा है या पाप ग्रहों के साथ बैठा है, और कारक मंगल, इन तीनों की पोजीशन जरूरी है देखना। लेकिन साथ के साथ डिविजनल चार्ट मकान से संबंधित, चल अचल संपत्ति से संबंधित डिविजनल चार्ट D4 को भी देखना बहुत जरूरी है। D4 का लगन, लग्नेश, चतुर्थ भाव, चतुर्थेश और कारक मंगल का भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है। यह मेरी पुस्तक वर्क कुंडलियों द्वारा फलादेश आपको कुंडली की सटीक प्रिडिक्शन में बहुत सहायता करेगी। इसकी कॉस्ट केवल 270 रुपये है। यदि आप मंगाना चाहें तो मेरे फ़ोन नंबर 9711079544 पर फ़ोन कर मंगा सकते हैं। यदि किसी को अपनी कुंडली की प्रिडिक्शन करानी हो तो फीस जमा करके फ़ोन नंबर पे अपना अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। नमस्कार।